हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है। टैली प्राइम में एकदम से शुरुआती दौर में जो बिगिनर्स गलतियां करते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो कि कंपनी बनाते वक्त होती हैं। कंपनी बनाते वक्त क्या करते हैं वो कि डायरेक्टली क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं और फिर यहाँ पर आपको कंपनी से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन नहीं नज़र आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ग्रुप है, लेजर है, कॉस्ट कैटेगरी है, कॉस्ट सेंटर है, लेकिन यहाँ कंपनी से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन दिखता नहीं है। तो ऐसे में वो परेशान हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पे शो इनएक्टिव दिया हुआ है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको वो ऑप्शंस नहीं नजर आएंगे जो कि कंपनी क्रिएशन वाले विंडो पर जो आपको टीचर ने बताया था वो आती है। टीचर ने बता दिया कि क्रिएट पे जाके कंपनी बनाते हैं, तो वहां पर आपको दिक्कत हो जाती है बहुत बार। तो आपको क्या करना है, कहाँ जाकर के कंपनी बनानी है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही आप आते हैं तो एक शॉर्टकट की होती है कंपनी क्रिएशन की। या तो देखिए यहां पर राइट साइड में ऊपर देखिए ये पट्टी सी बनी हुई है, यहां डेट लिखा हुआ है और कंपनी लिखा हुआ है, या तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करते ही ये विंडो आती है लिस्ट ऑफ कंपनीज की, यहां पर आप जा सकते हैं। या आप एक काम कर सकते हैं, एक शॉर्टकट की है फंक्शन बटन F3, तो आप F3 प्रेस करिए और कंपनी क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाती है। यहां से अल्टर कंपनी में आप तब जाएंगे जबकि आपको बने हुए कंपनी में चेंजेस करने होंगे। क्रिएट कंपनी कंपनी बनाने के लिए यूज होगी, सेलेक्ट कंपनी बने हुए कंपनी को सिलेक्शन में ले सकते हैं, और शट कंपनी यानी कंपनी को बंद कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये F3 जो शॉर्टकट की है ये कंपनी क्रिएशन के लिए यूज होती है और इस तरीके से आप कंपनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इस बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि कंपनी क्रिएशन कैसे होती है। ठीक है, आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।